नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु आज इस शानदार से मौसम में लेके आया हूँ आपके साथ एक शानदार सी प्रॉपर्टी, शानदार से डायमेंशन के साथ। तो फ्रेंड्स, आपकी ये प्रॉपर्टी है ये 18x55 के डायमेंशन में होगी। 110 गज में आपकी ये प्रॉपर्टी है। जहाँ तक मैं बात करूँ लोकेशन की, कालवाड़ रोड पर ये लोकेटेड है। कालवाड़ रोड से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपकी प्रॉपर्टी होने वाली है। एक बार फ्रंट एलिवेशन देखिए आप फ्रेंड्स, काफ़ी लुकिंग के साथ आपने फ्रंट एलिवेशन तो देख ही लिया, साथ ही में आप देखेंगे बाहर आपको ग्रीनरी के लिए भी एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ आपको दिया गया है। काफ़ी अच्छी साइज में आपको ग्रीनरी के लिए स्पेस दिया गया है। नेम प्लेट के लिए देखिए, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको कवर करके यहाँ दिया गया है। अब अपन करते हैं इनसाइड का टूर। इनसाइड का टूर से पहले देखिए, बरम एरिया भी काफ़ी अच्छी आपको स्पेस में यहाँ दिया गया है। साथ में 30 फीट आपकी कॉलोनी में आपकी रहने वाली है। सामने जो रोड है ये आपकी 30 फीट की है। साथ में बात करते हैं अब आपके मेन गेट की। मेन गेट आपका आयरन का मेन गेट है। ये डीको स्प्रे के साथ में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में आपको यहाँ दिया गया है। फुली पार्किंग आपको यहाँ दी गई है। आराम से एक आपकी फोर व्हीलर आपको यहाँ पार्क हो सकती है। साथ में डूल आपको एंट्री यहाँ दी गई है। लॉबी एरिया देखिए आप, लॉबी एरिया से ही आपका फर्स्ट बेडरूम की तरफ आपकी एंट्री होती है। पार्किंग तो आपने देख ही ली है फ्रेंड्स। पार्किंग में आपको यहाँ पे वाटर टैंक की फैसिलिटी दी गई है। काफ़ी अच्छी आपका इनसाइड स्पेस में वाटर टैंक बना के दिया गया है। मोटर के लिए भी आपको सेपरेट स्पेस यहाँ दिया गया है। और साथ ही में मीटर के लिए, इलेक्ट्रिक मीटर के लिए आपको अलग से यहाँ बॉक्स बना के दिया गया है, ताकि सिक्योरिटी के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा आपके लिए होने वाला है। तो पार्किंग के बारे में तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ही है। अब अपन टू स्टेप के बाद में एंट्री करते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे। अब अपन ग्राउंड फ्लोर की एंट्री करते हैं, उससे पहले मैं बता देता हूँ स्टेयर्स आपको बाहर से दी गई हैं। साथ में SS की बेस्ट क्वालिटी की रेलिंग आपको यहाँ लगा के दी गई है फ्रेंड्स। ये फ्रंट में ही आपको यहाँ विंडो दिया गया है। विंडो भी काफ़ी बिग साइज़ में आपको दिया गया है। जैसा कि मैंने डायमेंशन बताया है 18x55 के डायमेंशन में, तो काफ़ी अच्छा आपको हॉल की साइज़ दी गई है। डाइनिंग एरिया की साइज़ काफ़ी अच्छी दी गई है। फ्रंट में आपको वुडन का बेस्ट क्वालिटी का यहाँ डोर लगा के दिया गया है। अब अपन आ गए हैं अपने हॉल में, या यूँ कहूँ लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया की साइज़ भी काफ़ी अच्छी दी गई है। साथ में अपन देखते हैं टेक्सचर कलर आपको यहाँ करके दिया गया है। वॉल का टेक्सचर कलर आपको फोर सीलिंग के कलर से कॉम्बिनेट करके यहाँ दिया गया है। साथ में ही अपन देखते हैं यहाँ पे आपको बिग साइज़ की LED पैनल लगा के दी गई है। वुडन का कलर कॉम्बिनेशन मैच करता हुआ आपको लाइटिंग के साथ में यहाँ दिया गया है। साथ में आपको ये स्पेस दिया गया है। ये वॉश बेसिन आपको यहाँ इंस्टॉल करके दिया जाएगा। वॉश बेसिन के लिए आपको यहाँ ये स्पेस दिया गया है। फ्रेंड्स, अपने टूर कर लिए अपने हॉल का। काफ़ी बिग साइज में हॉल है। साथ में बताता हूँ आपको, यहाँ एक अटैच लेट बाथ आपको हॉल में दिया गया है, जो कॉमन वाशरूम आपका यहाँ होगा। काफ़ी अच्छी साइज में आपको यहाँ दिया गया है। फ्रेंड्स, आपने हॉल को देख लिया है। अब अपन करते हैं अपने किचन का टूर। किचन आप देखिए, वुडन के काफ़ी अच्छे वर्क के साथ में कॉम्बिनेट करके आपको यहाँ दिया गया है। और एल शेप का आपको यहाँ पे टॉप दिया गया है। काफ़ी अच्छी स्पेस में आपकी किचन है। आराम से यहाँ 3-4 लेडीज आराम से यहाँ आपको जो भी खाना बनाती है आराम से यहाँ खड़ी रह सकती है। और अब अच्छे स्पेस में आपको दिया गया है। साथ में आपको स्लाइडर ड्रॉर्स आपको यहाँ लगा के दिए गए हैं। कैबिनेट्स भी आपको काफ़ी अच्छी बिग साइज में आपको दी गई है। अच्छी कैबिनेट्स आपको दी गई हैं। साथ में आपको यहाँ विंडो दी गई है, ताकि सफोकेशन नहीं हो और आपको वेंटिलेशन यहाँ से प्रॉपर बना रहे। फ्रेंड्स, अब हमने टूर कर लिया अपने किचन का, जो भी काफ़ी बिग साइज में थी। फ्रिज के लिए भी आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है। फ्रेंड्स, अब अपन टूर करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम का। फर्स्ट बेडरूम के टूर करने से पहले बता दूं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जो आपके लिए प्रॉपर्टी के अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहते हैं, ताकि वो आप लोगों तक पहुंच सके। यहाँ भी आपको वॉल पे टेक्सचर कलर करके दिया गया है। कलर कॉम्बिनेशन भी आपको फोर सीलिंग से यहाँ मिलता जुलता करके दिया गया है। साथ में आपको यहाँ पे आयरन की अच्छी वार्डरोब बना के दी गई है। यहाँ भी आपको एक अच्छा विंडो बना के दिया गया है। काफ़ी अच्छी स्पेस में विंडो दिया गया। और बैक साइड का देखिए आप, लॉबी एरिया बैक साइड का काफ़ी अच्छा आपको यहाँ दिया गया है। आप इसको वॉशिंग एरिया और बैकयार्ड एरिया दोनों में आप अच्छी तरह से इसको यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये है आपका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आपको काफ़ी अच्छी साइज में बाथरूम यहाँ दिया गया है, जिसमें कि आपको वेस्टर्न सीट आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके दी जाएगी। फ्रेंड्स, अपने टूर कर लिया अपना फर्स्ट बेडरूम का, यानी यूँ कहूँ अपने मास्टर बेडरूम का। अब अपन टूर करेंगे अपने सेकंड बेडरूम का। अब अपन विजिट करते हैं अपने सेकंड बेडरूम का,
सेकंड बेडरूम भी काफ़ी अच्छा स्पेस में दिया गया है। यहाँ पे एयर सनलाइट यहाँ प्रॉपर बनी रहेगी। विंडो आपको यहाँ बाहर से दी गई है, काफ़ी अच्छी साइज में आपको यहाँ विंडो दी गई है। साथ में अपन बात करते हैं वॉल की। टेक्सचर कलर के साथ में आपको कलर कॉम्बिनेशन आपका फोर सीलिंग से यहाँ करके दिया गया है, अच्छा स्पेस में आपका है। तो फ्रेंड्स हमने टूर कर लिया अपने ग्राउंड फ्लोर का, यानी दो रूम लेट बाथ किचन का अपने टूर कर लिया है। अब अपन टूर करते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर का। फर्स्ट फ्लोर पे भी तो फ्रेंड्स फर्स्ट फ्लोर के लिए आपको जो स्टेज दी गई है इसमें आपको एसएस की अच्छी क्वालिटी के साथ में आपको हेवी क्वालिटी की यहाँ पे आपको रेलिंग लगा के दी गई है। साथ में मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ फ्रंट में आप देखिए यहाँ आपको टफन ग्लासेस का वर्क दिया गया है जिसमें आपको सनलाइट प्रॉपर यहाँ मिलती रहे। अब अपन आ गए हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे भी आप देखिए अपने टाइलिंग के साथ आपको पूरा यहाँ वर्क दिया गया है, टाइलिंग का वर्क आपको यहाँ दिया गया है। साथ में ही अपन बाहर ही आपको यहाँ लेट बाथ दिया गया है, यहाँ आपको वॉश बेसिन इंस्टॉल करके देंगे। साथ में ही आप देखिए यहाँ पे वॉशरूम आपको दिया गया है, काफ़ी अच्छी स्पेस में आपको यहाँ इंडियन सीट के साथ में वॉशरूम दिया गया है। अब अपन आ गए हैं अपने थर्ड बेडरूम पे। थर्ड बेडरूम यानी फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, ये भी देखिए आपको वॉल का कलर कॉम्बिनेशन आपको फोर सीलिंग से करके दिया गया है। साथ में आपको वार्डरोब यहाँ पे लगा के दी गई है। तो फ्रेंड्स अपने टूर कर लिया अपने विला का, अपने तीन रूम लेट बाथ किचन सबका अपन टूर कर चुके हैं। अब अपन मैं दिखाता हूँ आपको अपनी बाहर की बालकोनी। बालकोनी भी काफ़ी अच्छे स्पेस में आपको यहाँ दी गई है, प्रॉपर आपको यहाँ वेंटिलेशन की आपको यहाँ मिलता रहेगा, आपको यहाँ टी सेशन आराम से आप यहाँ कर सकते हो। फ्रेंड्स अब कर लेते हैं अपन इसकी प्राइस की बात। तो प्राइस की बात से पहले फिर मैं आपको याद दिला दूँ डायमेंशन 18x55 के डायमेंशन में है। 110 गज में आपका ये सेमी डुप्लेक्स विला बना हुआ है, बिल्कुल कालवा रोड से बिल्कुल नज़दीक होने वाला है। और अब प्राइस की बात, मात्र 42 लाख रुपये में आपका होने वाला है। नंबर मेरी साइड स्क्रीन पर बिलिंग कर रहे हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।